नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में हम पढ़ेंगे दोस्तों देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही धांसू ट्रिक से पढ़ेंगे दोस्तों। चुटकियों में आपको पूरा देवनारायण जी में आपको याद करा दूंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। यदि पूछ ले देवनारायण जी का जन्म, दोस्तों आपसे पूछेगा कि देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको लिखवा देता हूँ दोस्तों जन्म। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आसिंध भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ था? आसिंध भीलवाड़ा। ठीक है, जो देवनारायण जी का जन्म हुआ था वो हुआ था आसिंध भीलवाड़ा। ठीक है, आसिंध भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। यदि पूछ ले पिता, इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था दोस्तों सवाई भोज। याद रखना, क्या नाम था? सवाई भोज। पिता का नाम था सवाई भोज। यदि पूछ ले दोस्तों इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो देवनारायण जी की जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा दोस्तों पीपल दे। जन्म हुआ था आसिंध भीलवाड़ा में। पिता थे सवाई भोज, पत्नी थी पीपल दे। इन्हें गुजरों के देवता कहा जाता है। इन्हें गुजर जाति के इष्ट देवता कहा जाता है। ठीक है, किनको? देवनारायण जी को। देखो बोर्ड पे दोस्तों, सामने देखो देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंध भीलवाड़ा में। ठीक है, पिता का नाम था सवाई भोज, पत्नी का नाम था पीपल देव। इन्हें गुजरों के इष्ट देवता कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि पूछ ले इन्हें किनको, देवनारायण जी को, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार दोस्तों? विष्णु का। इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु का अवतार कहा जाता है। किनको? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनके प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, लिख लेना इसको। प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? ईंटों की। प्रतीक के रूप में, देवनारायण जी के प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की। आगे चलते हैं हम दोस्तों देवनारायण जी की फड़की और। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं देवनारायण जी की फड़ से। तो आपको लिखवा देता हूँ देवनारायण जी की फड़। ठीक है, देवनारायण जी की फड़। तो देखो दोस्तों देवनारायण जी की फड़ है राजस्थान की सबसे छोटी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है। राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ वाचन में सबसे अधिक समय
वात्सल में सबसे अधिक समय लगता है। किसकी पढ़ में दोस्तों? देवनारायण जी की पढ़ के वात्सल में सबसे अधिक समय लगता है। वात्सल में सबसे अधिक समय लगता है, समय लगता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है वात्सल में सबसे ज्यादा समय लगता है? किसकी फट में? देवनारायण जी फट में। देखो दोस्तों, देवनारायण जी फट राजस्थान की सबसे छोटी फट, राजस्थान सबसे लंबी फट किसकी है? देवनारायण जी की फट। राजस्थान की सबसे पुरानी फट किसकी है? देवनारायण जी की। वात्सल में सबसे अधिक समय लगता है, देवनारायण जी की फट में। दोस्तों आगे चलते हैं, किसके द्वारा इसका वाचन किया जाता है आपको बता दूं दोस्तों। जो इसका वाचन किया जाएगा गुजर जाति के भोपो द्वारा, गुजर जाति के भोपो द्वारा, गुजर जाति के भोपो द्वारा, भोपो द्वारा जंतर जंतर वाद्य यंत्र से। कौन से वाद्य यंत्र से दोस्तों? जंतर, एक वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। जंतर वाद्य यंत्र से, जंतर वाद्य यंत्र से फड़का फड़का वाचन किया जाता है। फड़का वाचन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है? गुजर जाति के भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से फड़का वाचन किया जाता है। इस पे दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया था, आपको लिखवा देता हूं, 1992 में सितंबर 1992 में, सितंबर 1992 को सबसे छोटा आकार में, 1992 को सबसे छोटा आकार में, को सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा आकार, आकार सबसे छोटा आकार में, आकार हो जाएगा दोस्तों 2x2 सेमी, सबसे छोटा आकार में डाक टिकट जारी किया गया। में डाक टिकट जारी किया गया, जारी किया गया। कब किया गया? 1992 में डाक टिकट जारी किया गया। चलो दोस्तों आपको मैं वापिस से पढ़वा देता हूं। देवनारायण जी की फट, गुजर जाति के भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से फड़का वाचन किया जाता है। सितंबर 1992 में, कब दोस्तों? सितंबर 1992 को सबसे छोटा आकार में 2x2 सेमी में डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1992 में, याद रखना दोस्तों 1992 में। सबसे छोटी फड़ है दोस्तों देवनारायण जी की, सबसे पुरानी फड़ है दोस्तों देवनारायण जी की, ठीक है। सबसे जो लंबी फट है दोस्तों वो भी देवनारायण जी की हो जाएगी, ठीक है। इनका जन्म, देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। पिता का नाम था सवाई भोज और पत्नी का नाम था दोस्तों पीपल देव। याद रखना दोस्तों पत्नी का नाम क्या था? पीपल देव। इन्हें गुजर जाति के इष्ट देवता कहा जाता है। प्रतीक के रूप में ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की पट गुजर जाति के भूपो द्वारा बाँची जाती है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। 1992 में देवनारायण जी की पट के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पे आज पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।